खबर पाली जिले में आने वाले तहसील सोजत विधानसभा के दोहरे पर आम आदमी पार्टी के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बाबू खान बागड़ी ने आज पिपलिया और कर्मावास मालियान के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर पिपलिया से कुशालपुरा जा रही रोड का निरीक्षण किया, जहां रोड का बेहाल स्थिति देखकर प्रशासन और राज्य सरकार और बीजेपी का विधायक को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार गहरी नींद में सो रही है, जहां आवाजाही करने वाली आम जनता को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और रात के समय दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बाबू खान बागड़ी ने विधायक से कहा कि अगर रोड नहीं बनाया तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर धरने पर बैठेगी। देखिए आवाज इंडिया न्यूज रिपोर्टर बाबू खान की ये रिपोर्ट। पकड़ लिया अगला चालू मैं थोड़ा नजदीक ला जिन साहब जो ये हालत है, ये कांग्रेस की सरकार में और मैं आज आम आदमी पार्टी से हूँ बाबू खान बागड़ी। मैंने आज दौरा किया है सोजत विधानसभा का, उसमें पिपलिया और कर्मावास के बीच की जो रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये भाजपा सरकार की जो हमारे सोजत विधानसभा की विधायक शोभा चौहान जी ने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया। ये हालत की कंडीशन ख़राब है कि रोड पर चलने के लायक नहीं है और कांग्रेस सरकार और भाजपा के विधायक इस पर ध्यान नहीं दे रहे और आने वाले चुनाव 2023 में चुनाव आ रहे हैं, मगर जो अभी हमारे प्रत्याशी है जो अभी गहरी नींद से सो रहे हैं। अगर मैं शोभा चौहान जी से यही उनसे मैं एक छोटी सी गुजारिश है कि या तो आप ये रोड करो, नहीं तो आम आदमी पार्टी जनता प्रदर्शन करेगी। जय हिंद।